हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पायल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मल्टीबैगर डेटा सेंटर स्टॉक, जिसका करंट पी है 20, प्राइस है 180 और पोटेंशियल है ₹300+। और ये स्टॉक इस वीक के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक होने वाला है। स्टॉक ने अभी न्यू ऑल टाइम हाई लेवल हिट किया है और आने वाले दिनों में शेयर में और हमें गेन देखने को मिल सकता है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, स्टॉक का नाम है अलाइन डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक वाइड रेंज प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों, अब कंपनी के की पॉइंट्स और ऑफर्स सर्विसेज को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अलाइन डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड एक ग्लोबल आईटी कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडर है, जो सिस्टम इंटीग्रेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी 17 देशों में अपने क्लाइंट्स को सर्विस देती है। ये डिजिटल सॉल्यूशन को डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय करती है और एंड टू एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देती है, जैसे कि एंड यूजर आईटी सपोर्ट, आईटी असेट लाइफ साइकिल, एंटरप्राइज एप्लीकेशन और इंटीग्रेट सॉल्यूशन। दोस्तों, सर्विस ऑफर के बारे में बात करते हैं। क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विसेज, जिसमें क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सर्विसेज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और ऑप्टिमाइज करती है। क्लाउड इनेबल सर्विसेज में ये सर्विसेज क्लाउड को अडेप्ट करने में मदद करती है। वही AWS पार्टनर, ये अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ पार्टनर है। और क्लाउड माइग्रेशन, ये सर्विसेज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पर माइग्रेट करती है। AIM 360 डिग्रीज कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंप्लायंस के लिए गाइडलाइन फॉलो करती है। एडवांसेस थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पांस सर्विसेज देती है। वही क्लाउड एनवायरनमेंट्स को सिक्योर करती है। थर्ड सर्विस ऑफर करती है दोस्तों, इंटीग्रेट सॉल्यूशन, जिसमें स्मार्ट डिवाइस इंटीग्रेशन और मैनेजमेंट है। एडवांस AI और मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। डिफरेंट सिस्टम को सीमलेसली इंटीग्रेट करती है और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं, डेटा सेंटर में कंपनी कैसे काम करती है इसके बारे में समझते हैं। पर उससे पहले, अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक खुद से फाइंड आउट करना सीखना है और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है और स्टॉक से मल्टीपल रिटर्न पाने हैं, तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों आपको कोर्स मिलने जा रहा है। इसके चार्जेस है ओनली 499। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स सिर्फ 499 में ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, ADSL कंपनी को सोलापुर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इस प्रोजेक्ट में कई एडवांस टेक्नोलॉजीज और सिस्टम का यूज किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के की पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इसमें एक एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप किया जाएगा, जो पूरे शहर में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये नेटवर्क डिफरेंट सिस्टम और डिवाइसेस के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड कंट्रोल सेंटर, इस कमांड कंट्रोल सेंटर में शहर के अलग अलग सर्वेलेंस और मैनेजमेंट सिस्टम को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा। ये सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए होगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रोजेक्ट के तहत एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप किया जाएगा। ये सिस्टम में कुछ की कंपोनेंट होंगे, जैसे ऑटोमेटिव नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, रेड लाइट वॉयलेंस डिटेक्शन सिस्टम, अडेप्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इस सिस्टम के माध्यम से इमरजेंसी सिचुएशन या इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये सिस्टम सिटी वाइड कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में एक एडवांस डेटा सेंटर सेटअप किया जाएगा, जहाँ सभी सिस्टम को डेटा को स्टोर और प्रोसेस किया जाएगा। ये डेटा सेंटर रिलायबल और सिक्योर डेटा मैनेजमेंट को इंश्योर करेगा। तो सोलापुर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू ADSL कंपनी सिटीज को एक स्मार्ट और सिक्योर सिटी में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज और सिस्टम के माध्यम से सिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी को बहुत इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों, हमें इस डेटा सेंटर स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इस स्टॉक में और गेन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसके फंडामेंटल को भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू को इंडिकेट करता है। 1012 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक मिड साइज कंपनी को दर्शाती है। करंट प्राइस 183 है। ये स्टॉक का करंट ट्रेडिंग प्राइस है। करंट प्राइस का वैल्यूएशन स्टॉक के अर्निंग और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के साथ कंपेयर करके किया जाता है। पी है 20। पी रेशियो कंपनी के करंट प्राइस को उसके अर्निंग के साथ कंपेयर करके करता है। 20 का पी रेशियो इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर हर ₹1 अर्निंग के लिए 20 पे कर रहा है। ये रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज पी से कंपेयर करके देखा जा सकता है। जनरली लोअर पी रेशियो अच्छा माना जाता है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल को भी
कंसिडर करना जरूरी है। ROCE एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक है जो इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। 10.6% का ROCE डिसेंट है। ROE इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को इक्विटी पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। 8.23% का ROE ठीक है, लेकिन हायर ROE जनरली बेटर माना जाता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के डेप्ट लेवल को उसके इक्विटी के साथ कंपेयर करता है। 0.10 का रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी का डेप्ट लेवल बहुत कम है, जो पॉजिटिव साइन है क्योंकि कंपनी कम डेप्ट के साथ ऑपरेट कर रही है। वही दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ इंडिकेट करता है कि पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में सेल्स कितनी बड़ी है। 3.32% की ग्रोथ डिसेंट है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ इंडिकेट करता है कि पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में प्रॉफिट कितना बड़ा है। 20.6% की ग्रोथ इंप्रेसिव है और ये इंडिकेट करती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को इफिशियंटली बढ़ा रही। वही ईयर ऑन ईयर सेल्स में 6.33% की ग्रोथ दर्ज की है। 6.33 का वेरिएशन स्टेबल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। वही ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 48.5% की ग्रोथ दर्ज की है। 48.5% का वेरिएशन सिग्निफिकेंट ग्रोथ को इंडिकेट करता है, जो पॉजिटिव साइन। तो दोस्तों, अलाइन डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल मैट्रिक को देखकर ये कहा जा सकता है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी पोजीशन में लग रही है। कंपनी का डेप्ट लेवल बहुत कम है, जो पॉजिटिव साइन है। ROCE ROE डिसेंट है, लेकिन और इम्प्रूव हो सकता है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इम्प्रेसिव है, जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है। सो दोस्तों, ओवरऑल ये मैट्रिक इंडिकेट करता है कि ADSL एक स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। सो दोस्तों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और मैं आपको बता दूं, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम एज अ लर्निंग पर्पस आपके साथ ये एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।